हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आपको बता दे, रात में ये शूटिंग हो रहा है, आपको पीछे भी दिख रहा होगा होटल। और मैं आपको दिखा देता हूँ, घड़ी में बज चुके हैं 10:46। और गाइस, हमारा ड्यूटी लगा हुआ है लोकल। आप लोगों को पता है कि स्कूल का जो बच्चे लोगों का एग्जाम चल रहा है, इसके वजह से सब मुंबई के लोग बाहर जा नहीं रहे हैं, तो ऑडिशन की ड्यूटी आ नहीं रही है। और आज गाइस 7 तारीख है और कल हो जाएगी 8 मंडे। तो कल बहुत दिनों के बाद मुझे आया है ऑडिशन, होगी मुंबई टू पुणे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और आपको पता है, जो ट्रेवल्स में गाड़ी चलाते हैं ना, उनको पता होगा, जैसे आप छोटी गाड़ी, सेडान गाड़ी, जैसे मेरी गाड़ी है सेडान, तो अगर आप सेडान चला रहे हो तो आपको अगर महीने में 4-5 ड्यूटी अगर ऑडिशन मिल गया और बीच बीच में आपको जो लोकल मिल रहा है ये लगातार चलते रहे। अगर मान लो 22 ड्यूटी, आपको बता देता हूँ, 22 ड्यूटी आप लोकल मार दिए और 4-5 आउट स्टेशन मार दिए, मतलब 27 ड्यूटी कर दिए और 3 दिन छुट्टी कर दिए, तो महीने अच्छे से बीत जाते हैं आपके, महीना अच्छा चला जाता है आपका। और जैसे धंधा डाउन है तो आप उसके लिए कुछ कह नहीं सकते। अगर भाई मान लो चल गया धंधे में भी, आपकी गाड़ी चल गई, तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक है उसके लिए। बट अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस माध्यम से बताना चाहता था आपको कि जो नए बिगनर है, जो सोच रहे हैं कि एक साथ में मैं इतना कमा लूंगा, इतना कर लूंगा, लेकिन भाई करने के लिए आप मेहनत कर लोगे, लेकिन भाड़ा ही नहीं है तो मेहनत कैसे कर पाओगे? करना भी चाहते हो मेहनत और भाड़ा ही नहीं तो क्या करोगे आगे? तो वही मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता था। तो चलिए, हम कल जाएंगे मुंबई से पुणे। और इस ब्लॉग में बने रहिएगा। और घड़ी में वैसे भी 11 बजने वाले हैं, कब छुट्टी होता है बताएंगे, और फिर हमारा पिकअप जो है वो बताएंगे आपको। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि जो वीडियो डालो पहले आप लोगों को मिल सके। तो लेट्स गो। तो छुट्टी हो गई है और आप देख सकते हैं 11:35 हो गया है। और यहाँ से जाने के लिए मुझे ये जो एरिया है ना, ताड़देव है, जिसको साउथ बॉम्बे बोलते हैं। और आप देख सकते हैं रोड पूरा खाली खाली है, संडे का दिन है। और अब यहाँ से मुझे जाना है सीलिंग पकड़ के T1, जहाँ मैं रहता हूँ, एयरपोर्ट। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे पहुंच के, और सीलिंग का व्यू दिखाएंगे रात के टाइम में कैसा होता है। ठीक है, चलो लेट्स गो। आ गया हूँ गाड़ी के पास, वो देखो वहाँ पे गाड़ी खड़ा किया था। और खाना वाना खा लिया हूँ और अब चलता हूँ सीधे, अभी गाड़ी में बैठता हूँ तो आपको बताता हूँ कहाँ जाना है मुझे अर्ली मॉर्निंग में। और देखो 1 बज गया है भाई, रास्ते पे देख रहे हो पब्लिक अभी भी है। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं और देखो ये रही सामने धन्नो, चलते हैं लेट्स गो। सो गाइस, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं उसी कपड़े में फिर से, और देखो भाई अभी नहा के आया हूँ जस्ट, और ये देखो 12:44, मतलब 1 बजने वाले हैं। और अभी मैं आपको बता दूँ, ये जो ट्रिप है मुंबई टू पुणे है, लेकिन मेरे यहाँ से पार्ला से ये जो सामने दिख रहा है ना ब्रिज, ये जो ऊपर से गाड़ी जा रही है, यहाँ से मुझे जाना है इस लाइन में जहाँ पे रहते हैं खेसारी लाल यादव, वहीं से पिकअप है, मीरा रोड जाना है, तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि 5 बजे का पिकअप है और 1 बज गया है, मुझे 4 घंटे। और आप लोग सोचोगे कि अंकित भाई सो नहीं रहे, लेकिन मैं वहीं जाके सोऊंगा, क्योंकि सो जाऊंगा ना तो थोड़ा क्या रहता है मन में, हाँ वो होता है कि अलार्म बजा नहीं तो फिर सो जाएंगे पूरे दिन के लिए, तो फिर ड्यूटी भी कैंसिल हो जाएगा, तो पार्टी का बार बार फोन आएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, नहीं जाना था तो पहले बता देते। बट इसलिए मैं निकल रहा हूँ 1 बजे, आप देख सकते हो। तो चलिए अब हम मीरा रोड पहुंच के वहां सो जाएंगे और सुबह निकलेंगे और बताएंगे आपको। तो बने रहिए इस वीडियो में। और बड़े दिनों के बाद ये आउट स्टेशन ड्यूटी आई है, टोटल 1 महीने के बाद। आप ब्लॉग भी देखते होंगे अगर मेरा, रोज तो आपको पता ही होगा।
और मैं 3-4 दिन के बाद ही अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, वैसे भी तो रोज नहीं डाल पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी है तहे दिल से भाई। तो चलिए बने रहिएगा, लेट्स गो गाइस। तो हम पहुँच चुके हैं मीरा रोड, आप देख सकते हैं। और अब देखो सीट फोल्ड करके इधर गाड़ी लगा दिया है और एसी चालू कर दिया एक नंबर पे, और अब सो जाते हैं और सीधे 5 बजे उठेंगे और पिकअप करके निकल जाएंगे। तो देख सकते हैं पूरा एकदम एरिया, और यही बिल्डिंग से पिकअप करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं पुणे जाते समय सुबह में। वेलकम बैक। और घड़ी में देखो 4:54 हो गए और अभी हम निकल रहे हैं, सर का फोन आ गया है। तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो में। सो गाइस, तो नाश्ता के लिए रुक चुके हैं और घड़ी में बज चुका है 8, और आप देख सकते हो उडप्पी पे मैंने रुका है, और यहाँ पे करेंगे नाश्ता और निकलते हैं यहाँ से। तो मिलते हैं आपसे पुणे में। तो लेट्स गाइस, तो अभी पहुँच चुका हूँ पुणे में, और ये है चाकन का एरिया, और आप देख सकते हो मैं बजाज के कंपनी में आया हूँ। इंडिया में जो बजाज गाड़ी होती है ना, बाइक, टेम्पो, यही सब की कंपनी है ये, पूरी बहुत बड़ी कंपनी है। तो गाइस, तो यहाँ पे लगा दिया है पार्किंग, ये विजिटर पार्किंग एरिया है, और जो मैं अंदर का व्यू दिखाया आपको वो सामने वाले कंपनी का व्यू था, और ये बजाज का विजिटर पार्किंग एरिया है, मतलब जो विजिट करने के लिए आते हैं उनका पार्किंग है। अब इस वीडियो को अब मैं एंड करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ज़्यादा बड़ा करके मतलब नहीं है। और आपको बता दूँ कि पैकेज जो है, आप लोगों को बताया भी है, आउट स्टेशन का पैकेज बताया है आपको कि 300 किलोमीटर का पैकेज होता है और 13 रुपये किलोमीटर, टोल पार्किंग अलग, डीए अलग मिलता है, खाने का पैसा। और ये आउट स्टेशन का पैकेज है, लोकल का तो आपको अलग बताया है मैंने वीडियो में। और चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और चैनल पे नए हो तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि जो वीडियो डालूँ पहले आप लोगों को मिल सके। और मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।